चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऐसा आज के वीडियो हम खेलने वाले हैं अपने माइनक्राफ्ट सर्वर सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपको याद होगा यार, हमने बनाया था अपने के लिए एक शुगर केन फार्म, जो कि यहाँ पे पीछे दे ही सकते होंगे, और जो कि हमने यार पिछली वीडियो को डाले कम से कम एक महीना हो चुका। मतलब एक महीने से मैं माइनक्राफ्ट पे कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना चालू करा था GTA 5 की सीरीज। तो उसके मैंने दो पार्ट डाल रखे हैं और एक पार्ट वो भी डाल रखे हैं कि कैसे मैंने उसको बाय करा था स्टीम से, ठीक है। तो अगर आपको GTA 5 डाउनलोड करनी है तो आप वो वाली वीडियो मेरी जाके देख सकते हो। और आपको GTA 5 की सॉरी सीरीज, मतलब GTA 5 की सीरीज चाहिए तो उसकी भी मैंने दो एपिसोड डाल रखे हैं उस पर, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे जो बीच में 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार आज की वीडियो में कुछ अलग करते हैं, ताकि जो अपना जो वर्ल्ड है और भी बढ़िया और भी सुंदर लग सके, और जो अपने 1K का सेलिब्रेशन है वो भी करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो अपन क्या करने वाले आज की वीडियो में पहले वो बता देता मैं, ठीक है। तो हमारा जो 1K सब्सक्राइबर गोल है वो तो कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पे, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो है 1K का एक बैनर बनाते बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा, जिसके लिए हमें बहुत सारे सामान की, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और जो इसके लिए मैंने ना जगह भी सोची कि वो हम बनाने वाले हैं वहाँ पे पीछे उस पहाड़ पे, और जो कि दूर से ना रात में और भी मस्त लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं रेडस्टोन लैम्प वो लगाने वाला हूँ मैं उसमें, ठीक है। और इसी के साथ साथ मेरे को यहाँ पे बहुत सारे जो कॉन्क्रीट पाउडर है उसकी जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारे जो है ऑब्जर्वर की यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब कम से कम 4 स्टैक ऑब्जर्व की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, और जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेदर में, क्योंकि 4 स्टैक ऑब्जर्वर बनाना मतलब 4 स्टैक यहाँ पे हमें नेदर पॉट्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक नेदर पॉट से और 4 कबलस्टोन से और 2 रेस्टोन कुछ ऐसे लगता है, जिससे हमारा जो है एक ऑब्जर्वर बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें नेदर पॉट्स की यहाँ पे 4 स्टैक नेदर पॉट्स चाहिएंगे, और उसी के साथ साथ हमें जो है ग्लोस्टोन चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे मुझे कम से कम 2 स्टैक ग्लोस्टोन की जरूरत पड़ेगी, मतलब रेडस्टोन लैम्प की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें हमारा बनता है ग्लोस्टोन से, ठीक है। तो वो कम से कम हमें जो है 2 स्टैक ग्लोस्टोन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी जो मेरी पिकैक्स देख रहे होगे ना, तो इसमें मेरी फॉर्चून 3 लगे, जिससे अगर हम ग्लोस्टोन को तोड़ेंगे तो हमें उससे ग्लोस्टोन डस्ट मिलेगा, जो कि फॉर्चून लगा हुआ है ज़्यादा तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कभी कभार हमको यहाँ पे 2 मिले 3 मिले, और जो अपना ग्लोस्टोन है ना, जो हमारा ग्लोस्टोन है वो बनता है 4 डस्ट से। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं एक नई पिकैक्स लेके जाऊँ डायमंड की, जिसमें स्लिप टच लगा हो, तो यहाँ पे मेरा जो है 2 स्टैक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी जो है नई पिकैक्स बना लेते हैं, और जो ग्लोस्टोन का मतलब जो हमारा बैनर का सामान है ना वो यहाँ पे मैंने इसमें रख रखा है थोड़ा बहुत, जो कि हमें रेडस्टोन और भी चाहिए, और उसी के साथ हमें कॉन्क्रीट पाउडर बनाना है ना, तो उसके लिए हमें ग्रेवल और सैंड चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को सैंड लाना पड़ेगा और रेडस्टोन भी लाना पड़ेगा, और मुझे लगता है यहाँ पे कबलस्टोन भी कम पड़ेंगे, तो थोड़े बहुत कबलस्टोन भी यहाँ पे लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ना अपना पिकैक्स का काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 यहाँ पे वो ले लेता हूँ डायमंड, और यहाँ पे हम जो है अपना बना लेते हैं एक पिकैक्स, जिसमें लगाने वाला हूँ सिल्क टच। तो एक बार देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है, अगर हमें ऐसी यहाँ पे सिल्क टच मिल जाती है तो हमें एक्स्ट्रा बुक जो है अपनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 मिलते हैं, जो कि सही है ना। तो एक बार देख लेते हैं यार अपने पास सिल्क टच की बुक रखी हुई है नहीं रखी, तो यार इसमें यहाँ पे मेरे पास पहले से डायमंड थे, और लैपिस की भी जरूरत होगी ना हमें, तो लैपिस से इंचेंटमेंट होती है। और उसके साथ यहाँ पे कौन कौन सी बुक रखी है मेरे पास, लॉयल्टी एफिशिएंसी वगैरह वगैरह, सिल्क टच, पावर 3, फ्लेम। तो सिल्क टच इसमें है तो पावर 3 और फ्लेम भी है, मेरे ख्याल से ये वाली बुक नहीं लगेगी यहाँ पे। और सिल्क टच क्या पता हमारा जो ट्रेडिंग हॉल है ना उसमें रखी हो, क्योंकि यहाँ पे शायद मेरे को याद है मैंने जो है एक विलेजर ऐसा करा था जो हमको सिल्टस दे रहा था। एक बार देख लेते हैं यार अपने जो अपने ट्रेडर हॉल में भी है, और यहाँ पे ट्रेडर हॉल देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपग्रेड करा है, जो यहाँ पे चारी जो वुड वाली प्लैंक्स है ना, मतलब ट्रैप डोर है, वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और यार इतने शोर कर रहा है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ये हमारा वाला विलेजर है वो दे रहा है हमारे को प्रोटेक्शन 4, और जो ये वाला विलेजर है वो हमको दे रहा है यही सिल्ट टच। तो यहाँ पे और तो बाकी सारे ऐसे ही है, अभी मैंने ज़्यादा ट्रेड करी नहीं है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अपने पास सिल्क टच रखी होनी चाहिए एक बुक, तो नहीं यार यहाँ पे मेरे ख्याल से होनी तो चाहिए थी। तो एक बार ये इतना शोर कर रहा है, इसको थोड़ा म्यूजिक कम कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे हम कर देते हैं 80 कर देते हैं, ठीक है। अब यार कितना शोर कर रहे हैं, तो इनको सिल्क टच दे रहा है, तो सिल्क टच इतने दे रहा 18 एमरल्ड और एक बुक, तो हमें सिल्क टच की बुक यहाँ पे लेनी पड़ेगी, तो 18 एमरल्ड तो हमारे पास रहेगी,
और हमें बुक की ज़रूरत भी होगी, तो बुक किससे बनता है, पेपर से और लेदर से। तो पेपर है हमारे पास है और हमें लेदर लाना पड़ेगा, लेकिन रात भी हो गई यार, एक बार ही सो जाते हैं। तो हमारी सुबह भी हो चुकी है और हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे लेदर चाहिए होगा, तो देख लेते हैं यार यहाँ पे कोई लेदर वेदर रखा है नहीं रखा, नहीं तो हमको जाना पड़ेगा अपने लेदर फार्म पे। तो हम यहाँ पे अपने लेदर फार्म पे भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे अपना 7 लेदर है। कोई नहीं, जैसे जैसे पढ़ेंगे हमारे एक एक में और लेदर आ जाएगा। तो अपने को एक बुक चाहिए होगी यार अभी, है ना, तो एक बुक बना दो। तो 3 पेपर ऐसे रखेंगे और एक लेदर ऐसे रखेंगे, तो हमारी एक बुक आ जाएगी। तो जितनी बनती है उतनी बना लेते हैं यार अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बुक आ गए अपने पास, तो हमें एक ही की ज़रूरत थी और बाकी जो अपना वहीं पे रख देते हैं और जो काम आया। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो थोड़े सा बी हाइव भी लगाए, बी हाइव कहते हैं, बी हाइव कहते हैं, यहाँ पे हमने बी हाइव भी लगाया, यहाँ पे 3 लगाए जिससे हमें जो है हानि मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फूल वूल भी लगाया थोड़े से, ताकि अपने पास जो है थोड़ी सी हानि वानी भी इकट्ठा होता रहे, क्योंकि आगे यार काम आएगा यहाँ पे हानि। मैंने कुछ सोच रखा है उससे मैं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो अपनी सिल्टच की बुक ले लेते हैं, तो अपनी सिल्टच की वाली बुक है, तो इसको यहाँ करते हैं और अपनी जो है ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी सिल्टच की बुक भी आ गई और जो बाकी का सामान है वो यहीं पे रख देते हैं। और एक बार मैं चेक करता हूँ, एक हमारी इंचेंटमेंट टेबल यहाँ पर भी है, वहाँ पे मेरे को अनब्रेकिंग 3 मिल रहा था, तो यहाँ पे भी अनब्रेकिंग 3 मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ होता है कि अलग इंचेंटमेंट टेबल से हमें अलग जो इंचेंटमेंट मिलता है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एफिशिएंसी 2, तो यहाँ सही में यार अलग इंचेंटमेंट टेबल से अलग जो है अपने पास वो मिलती है इंचेंटमेंट, तो क्योंकि वहाँ पे हमें जो है अनब्रेकिंग 3 मिल रही थी। तो अपनी जो है अनब्रेकिंग 3 ले लेते हैं यार यहाँ से, है ना। उसके बाद हम जो है इसमें सिल्टस डाल देंगे, तो यहाँ पे एमरल भी रखते हैं। और जो हमारी एफिशिएंसी 4 से और सिल्टस अपने आप आ गई, भाई साहब क्या किस्मत है। देखो एफिशिएंसी 4 मिल गई, सिल्टस मिल गई और अनब्रेकिंग 3 भी मिल गई। ओह माय गॉड, वाओ। किस्मत हो तो यार ऐसी हो, हमारी जो सिल्टच की बुक भी बच गई एक, तो जो सिल्टच की बुक है मैं यहीं पे रख देता हूँ, और जो अपनी लैपिश है वो भी यहीं पे रख देता हूँ, और बाकी फालतू अंडे भी यहीं पे रख देते हैं अपना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नैदर जाना है, और नैदर में हमें कम से कम 4 स्टैक जो है क्वार्ट्स लाने है, और जो 2 स्टैक है ग्लोस्टोन लाना है। तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ अपने नैदर में, और मैं यहाँ पे नैदर में पहले इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो यार अपना मुश्किल वाला काम है ना वो यहाँ पे पहले कर लेते हैं, क्योंकि नैदर में इतना मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो यहाँ पे मैं बहुत बारी नैदर में मर चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ नैदर में जाना, लेकिन यार जाना है तो जाना है, क्योंकि हमें वहाँ से सामान लाना है। तो गाइस हम यहाँ पे नैदर में तो आ चुके हैं, और यहाँ पे मेरे को देख रहे हो ये ग्लोस्टोन चाहिए और नैदर क्वार्ट्स चाहिए। तो नैदर क्वार्ट्स तो मेरे ख्याल से इनको तोड़ के मिलेंगे इसमें बीच बीच में से, और जो ग्लोस्टोन है वो ऐसे यहाँ पे मेरे को मिलेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है यार। पहले मैं ना जो अपना सामान है वो इकट्ठा कर लेता हूँ, और देखते हैं यार कितना टाइम लगता है इकट्ठा करने में। तो पिछले बार क्वार्ट्स मेरे को यहाँ से मिलते थे, यहीं पर ही चलते हैं। एक काम करते हैं यार, बाहर ही चलते हैं और बाहर की भारी अपना माइंड करेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कभी भी जो है ना लावा वावा में या कहीं ऐसी जगह गिर सकता हूँ, ठीक है। और इनको तो यार गलती से भी टच नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं टॉर्चेस लाया हूँ, मैं समझा, मैं यहाँ पे ये देखो देख रहा हूँ, इसी की बात कर रहा था मैं, जहाँ पे भी जाऊँगा वहाँ पे मेरे को लावा मिलेगा मिलेगा। यहाँ पे मेरे को क्वार्ट्स मिले हैं, एक जो क्वार्ट ब्लॉक है उससे हमें कितना क्वार्ट मिल रहा है, यहाँ पे एक से हमें 2 मिल रहा है, और एक और है यहाँ पे, और इससे हमें एक ही मिला यार, फॉर्चून 3 यार, इसमें थोड़ा ज़्यादा तो दो। A few moments later. तो यार हमारे जो यहाँ पे 4 स्टैक से ज़्यादा जो अपने पास स्क्वाड हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरे को जाना किस साइड है, हाँ साइड जाना। और यहाँ पे हमारे जितना हम सोच रहा था ना क्वाड को इकट्ठा करना, उससे बहुत ही आसान है, क्वाड्स यार आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपके PX में फॉर्चून 3 लगी हो, तो यहाँ से आप और भी क्वान्टिटी में, और भी ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है नदर क्वाड्स ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मेरे को यहाँ पे जो है लेने पड़ेंगे अपने जो ग्लो स्टोन है, जो कि वहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि इनसे बच के यहाँ पे लेने पड़ेंगे, और जिससे मैं यूज़ करने वाला हूँ जो अपनी सिल्क टच वाली पिकैक्स है ना, वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 स्टैक चाहिए होंगे, और 2 स्टैक मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे इसको माइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पिछली बार देखे थे, तो एक काम करते हैं अब इस साइड चलते हैं, ठीक है। और जो अपने
ग्लोस्टोन है ना वो डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पे, मैं ग्लोस्टोन डस्ट नहीं लूँगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट जो है ग्लोस्टोन लूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे जो है सिल्क टच के पेयर्स लाया हूँ। यहाँ पे पहले देख लेते हैं यार ये गोल्ड वाले बंदे हैं, ये मेरे को मारेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं कोई सा भी गोल्ड का सामान जो है पहन के नहीं आया हूँ। और यहाँ पे मेरे को पीछे यार थोड़ा सा गोल्ड तो दिख रहा था, तो एक काम करते हैं वहीं से उसके बूट बना लेंगे अपने, क्योंकि उन्होंने जैसे ही मेरे को देखा ना वैसे ही वो मारना चालू कर देंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल से यार इतने गोल्ड से काम नहीं बने आया, तो फिर देखते हैं अपनी जो है एफिशिएंसी नहीं फॉर्चून वाली पेक से एक बार माइन करके देखते हैं यहाँ पे कितने भाई साहब। यहाँ पे यार आँख बंद करके माइन भी नहीं कर सकते, यहाँ पे बगल में ही लावा था और यहाँ पे यार मैं से जा भी नहीं सकता उसके पास क्योंकि मुझे पता है वो मेरे को मारेगा बिना उसके। और यहाँ पे गास्ट की आवाज़ भी आ रही है यार मेरे को, यहाँ पे यार गास्ट की आवाज़ भी आ रही है। तो एक बार यार मेरे को गोल्ड का कुछ पहन के आना चाहिए था, एक बार ले कर आऊँ या मैं चलूँ ऐसी, क्योंकि मुझे पता है वो मार देंगे मेरे को। एक काम करते हैं यार जो अपना सामान है ना वो यहाँ पे रख के आते हैं और अपने जो गोल्ड का थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें लेकर आते हैं, मतलब हेलमेट ले लूँगा या जो है बूट ले लूँगा ताकि वो मेरे पे बिना वजह तो हमला ना करे, ठीक है। तो पहले यार सो जाते हैं, रात भी हो चुकी है, तो अपना जो मैं इस साइड ही बनाने वाला हूँ तो यहाँ पर इसी क्राफ्टिंग टेबल में रख देते हैं अपना जो क्वार्ट्स है, ठीक है, अपने क्वार्ट्स भी इसमें हो गए और थोड़े बहुत ये ले लेते हैं हेल्पिंग ब्लॉक और अपना जो है गोल्ड का एक सामान बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास गोल्ड 3 ही गोल्ड रखा है और बूट भी मेरे ख्याल से 4 से बनेंगे यार, अब वो काम आएगा अपना, तो थोड़े बहुत नगेट्स लेके आए थे गोल्ड के वो काम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्राफ्टिंग टेबल ये यार, तो अपने जो इससे बूट बना लेते हैं ताकि अपने कम से कम वो तो ना मारे अपने वो, ठीक है। और बाकी इसमें रख देते हैं अपने बूट जो है यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे मेरे को यार गास्ट की बहुत तगड़ी आवाज आ रही है यार, इसको ढको यार, पिछले यार ऐसे में गिरा था एकदम से मरने मरने से बचा था। और यहाँ पे मैं घर गया था यार, मेरे को टॉर्चेस भी लेकर आनी चाहिए थी, वो कहाँ गया बंदा, उसकी वजह से यार मैं लेकर आया हूँ। तो मेरे को ये दिख रहा है, ये लेना ये लेना ये लेना ये लेना, इससे अपने पास 2 स्टैक हो जाएंगे। चलो देखते हैं इसकी कास्ट कैसी कैसी, और मेरे शील्ड की वजह से यार ये काम भी नहीं कर रहा। अच्छा मेरे पास कोई एरो नहीं है यार, मेरे को एरो तो लानी चाहिए यार कम से कम। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आया हूँ यार अपना जो है एरो भी लेकर और जो अपने टॉर्चेस भी लेकर, तो यहाँ पे टॉर्चेस भी मेरे पास ख़त्म हो रही थी और यार मैं बताया बोल के घूम रहा हूँ मेरे पास एरो ही नहीं है, घास टॉर्च एकदम सामने आई तो कैसे मारूंगा। और पहले यार इसके यहाँ से हटा, अब आया गास्ट, अब नहीं छोड़ूंगा आ जाता, ठीक है। तो अपना जो यार ग्लोस्टोन लेते हैं, यहाँ पे बहुत देर हो गई है मजाक करते करते, अब ग्लोस्टोन चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब ऐसे कुछ ज़्यादा आगे आ गया, यहाँ पे ऊपर जाना है मेरे को। ये तो अपनी जो है सिल्क टच वाली यहाँ पे निकालेंगे, तो ये तो फॉर्चून वाली है और ये हाँ हमारी सिल्क टच वाली है, तो हम इससे अगर हम खेलेंगे तो हमें डायरेक्ट जो है ब्लॉक मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 स्टैक इसको ब्लॉक चाहिए, तो अभी मैं जल्दी से इकट्ठा कर लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 2 स्टैक तो यहाँ पे लगभग अपना ग्लोस्टोन होने वाला है, लेकिन अपने पास डर्ट भी थोड़ी सी कम है क्योंकि वहाँ पे वो बहुत दूर पूरा लावा के ऊपर है और आसपास मेरे को कहीं पे ग्लोस्टोन दिख भी नहीं रहे, या तो मेरे को वो लेने पड़ेंगे या आसपास में और कोई से और देखना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कम से कम 2 स्टैक तो चाहिए होगा ग्लोस्टोन अपना जो काम करने के लिए, है ना। यहाँ पे मेरा ग्लोस्टोन दिख तो रहा यार लेकिन बहुत दूर दूर है, जैसे वहाँ पर है और मतलब दूसरी साइड जा रहा था, क्या पता हमें भी वहाँ पे तो यार थोड़ा जो ग्लोस्टोन मिल जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं 2 स्टैक होने में बस थोड़ा सा रह गया, और मेरे ख्याल से इतना भी यार बहुत हो जाएगा लेकिन कम ना पड़े, इस वजह से मैं थोड़ा और ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना भी मेरा हो जाना चाहिए, अगर नहीं दिखता आसपास में तो चलते हैं, अगर कम पड़ेगा तो और ले आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है लेकिन बहुत दूर है, और एक बार इस टनल में चलते हैं क्योंकि इसके ना उस साइड में इसके उस साइड में था या दूसरी वाली के उस साइड में ना वेस्टर्न था, तो क्या पता उस वाली से हम निकले तो हमें ग्लोस्टोन मिल जाए। तो किस साइड था यार, हाँ इस साइड था, इस साइड था, हाँ इस साइड था। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वेस्टर्न है, एक बार यहाँ पे माइन करके देखते हैं आगे क्या है, क्या पता है ग्लोस्टोन मिल जाए अपने। और यहाँ पे मेरे को लावा दिखाई दे रहा है, पता नहीं ऐसा लगा जैसे लावा ग्लिच हो एकदम से। और ये वाले शायद दूसरे ब्लॉक है ना, ब्लैकस्टोन, अच्छा पहले ब्लैकस्टोन है और ये वाले ये बेसाल्ट है, अच्छा ये दोनों अलग अलग स्टोन है। और इस साइड में था जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये मैं सिल्क टच यूज़ कर रहा हूँ ना, मुझे ये वाली यूज़ करनी चाहिए। और देखो यहाँ पे मुझे यार बार बार बचा बिल्कुल, और यहीं कहीं पे ग्लोस्टोन दिखे थे मेरे को जो कि पीछे रह गए थोड़े से, और एक गास्ट भी घूम रही है यहाँ पे।
और इस साइड में देखो, इस साइड में तो कुछ नहीं, यहाँ पे बस नीचे नहीं जाना मेरे को, यहाँ पे बहुत बुरी तरह मर हुआ यहाँ पे। तो ये वाले ग्लो स्टोन मिल जाते हैं और अपने काम हो जाता है। एक बार थोड़ा और आगे चले, देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ बेस्ट नहीं है पूरा, मैं समझा बेसॉल्ट का एक वो होता है ना, यहाँ पे हमें यार वो मिलते हैं नेदरराइट अपग्रेड करने के लिए, हमें वो चाहिए होते हैं ट्रिम चाहिए होते हैं अपग्रेड कुछ ऐसे कहते हैं यार, वो चाहिए होता है जिनकल से ऐसी, मुझे लगा वो चीज़ें वहाँ पे तो वो मिले हमें वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे। तो यार अपना एक काम करते हैं यार, वापस चलते हैं क्योंकि बहुत अपने जो है टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इतने भी मेरे को लगता है कि अपना काम यार हो जाएगा बस हमें ना। और उसके बाद हमें तो अपना जो है पहले ओवर वर्ल्ड में वापस चलते हैं, तो अपना जो है ग्लो स्टोन में यहाँ पर रखते हैं अपना नेदर क्वार्ट्स भी आगे जो कि मेन चीज़ थी। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यार बहुत सारी वो बनानी पड़ेंगी वाइट कंक्रीट पाउडर, क्योंकि वाइट कंक्रीट पाउडर से जो है मैं अपनी जो वॉल बनाने वाला हूँ और जो उस पर लिखने वाला हूँ ना, वो रेड कंक्रीट पाउडर से लिखने वाला हूँ। अपने पास ग्रेवल तो होगा इतना, अपने को चाहिए होगी सैंड, तो सैंड के लिए यहाँ पे मेरे को शवल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और अपना जो ये वाला बूट है ये पहन लेता हूँ और बाकी इसको अभी साइड में रख देता हूँ, और मुझे यार इसको रिपेयर भी करके आना पड़ेगा। यहाँ पे जो अपना मॉप एक्सी फार्म है यार, उससे अपना जो शवल है आराम से रिपेयर हो जाएगी वो बहुत जल्दी में। तो एक बार दिखा देता हूँ यार, यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या रख रखा है। यहाँ पे बहुत सारे रॉ फ्लैश, पता नहीं यार क्यों रख रखे हैं मैंने, लेकिन ऐसे जमा करने का शौक है। और यहाँ पे बहुत सारी वो है जो कि यहाँ पे आती ना वो, उनको जोड़ जोड़ के मतलब ऐसी। और यहाँ पे देखो अपने पास कितने सारे एरो है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने गन पाउडर रखा है क्योंकि यार अपना गन पाउडर फार्म की जरूरत ही नहीं है अलग से, अपने पास इतना सारा गन पाउडर है। और उसके साथ यहाँ पे अपने साथ बहुत सारी बोन है जो बोन मिल फार्म की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ फालतू सामान रखा है, यहाँ पे भी जो अपनी शवल है ना यार उसको लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको रिपेयर करना है। तो अभी यार अपने पास अपनी जो शवल है इतनी रिपेयर तो हो चुकी है कि अपना काम यहाँ पे हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए थे अपने, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए बहुत सारी सैंड, जो कि 3-4 स्टैक हमको यहाँ पे जो है सैंड चाहिए होगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो है शवल को रिपेयर तो कर लिए, अब बस को लेके अपनी जो सैंड लेकर आनी है। तो सैंड मैं कहाँ से लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे चलते एक काम करते हैं है ना, यहाँ पे बहुत सारी सैंड यार आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैंड भी है और ग्रेवल भी है, तो यहाँ पे मेरे को सैंड ही जरूरत है, तो यहाँ पे सैंड ले लेते हैं ना। तो वैसे हमारे पास इतनी सैंड तो इकट्ठी हो चुकी है यार जितनी अपने को चाहिए थी, तब जो हमारे पास मेघल से सारा सामान इकट्ठा हो चुका है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेरे ख्याल से थोड़ी देर में जॉम्बी पिगलेट बन जाएगा ना, हाँ बन चुका है, पहले से बन चुका है जॉम्बी पिगलेट। तो हमारे पास इतनी सैंड भी हो गई है, ग्रेवल भी हो गई है, हमारे पास क्वार्ट्स भी हो गए हैं, और मेरे ख्याल से स्टोन भी होंगे अपने पास इतने, है ना। बस अपने पास एक चीज़ नहीं है जो कि रेड स्टोन, तो रेड स्टोन को यहाँ पे यार मेरे को माइन करना जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से 2 स्टैक रेड स्टोन की यहाँ पे मेरे को जरूरत पड़ने वाली है ना। यहाँ पे देख लेते हैं यार, मेरे पास 32 ही रेड स्टोन है, और यहाँ पे जो है अपनी सारी सैंड रख देते हैं, ठीक है। और डाई के लिए मैं यहाँ पे बोन ले रहा हूँ क्योंकि उससे अपना जो है बोन भी बन जाता है, और रेड स्टोन से मेरे ख्याल से ठीक है। और रेड स्टोन यहाँ पे मेरे पास और नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को जाना ही पड़ेगा माइनिंग पे, तो ठीक है यहाँ पे भी जो है माइनिंग पे जाता हूँ और जो अपना रेड स्टोन है वो इकट्ठा करके लाता हूँ जल्दी से। तो यार हम यहाँ पे जो है रेड स्टोन के लिए माइनिंग कर रहे थे, और हमारे पास लगभग 3 स्टैक होने वाला है, और हमको यार ज़्यादा स्टैक चाहिए होगा। और हमको यहाँ पे देखो क्या मिला, हमको मिले यार डायमंड्स, तो पहले देख लेते हैं कितने डायमंड्स अपने आसपास। तो यहाँ पे 2 तो मेरे को दिख रहे हैं, और मेरे ख्याल से यार 2 ही हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 2 से कितना मिलता है। तो 2 से हमें यहाँ पे 5 डायमंड मिल गया यार, कि सही है, मतलब आज की किस्मत हमारी जो है इतनी बढ़िया बढ़िया चल रही है कि यहाँ पे रेड स्टोन में मेरे को इतना टाइम नहीं लग रहा, जल्दी जल्दी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आया हूँ यहाँ पे -58 लेवल पे, जो कि सबसे ज़्यादा रेड स्टोन जो है यहीं पर ही मिलता है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मिल रहा है। और ऊपर से मेरे इसमें जो पेक्स में फॉर्चून 3 भी लगी है, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है रेड स्टोन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अभी 3 स्टैक हुए हैं, और अभी मैं थोड़ी सी और कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को 4-5-6 स्टैक में ख्याल से यहाँ पे 6 स्टैक रेडस्टोन की जरूरत होगी। और उसके बाद देख, और यहाँ पे देखो बात करते करते और दोबारा से अपने जो है डायमंड मिल गए, तो यहाँ पे 2-3 और आसपास देख लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे को 3 मिले हैं ना, जो
डायमंड ब्लॉक है यहाँ पे 3 मिलने मेरे को, तो यहाँ पे अपने पास 5 थे और यहाँ पे 12 हुआ। तो यहाँ पे देख रहे यार अपने पास डायमंड मिल रहे हैं और रेस्टोरेंट भी मिल रहा है। यहाँ पे यार मैं और थोड़े से जो है रेस्टोरेंट इकट्ठे कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो बस फाइनली यहाँ पे जो है हमारे रेडस्टोन भी यहाँ पे हम इकट्ठा कर चुके हैं, जो कि 4-5 स्टैक से यहाँ पे ज़्यादा है, 1-2-3-4-5-6 स्टैक से भी ज़्यादा जो है हमको यहाँ पे रेस्टोन मिले। और यहाँ पे देखो मेरे को 37 डायमंड मिल गया, मतलब यहाँ पे मेरे को तो मतलब इतने रेस्टोन के लिए हमें देख लो कि यार कितनी माइनिंग करनी पड़ी थी। यहाँ पे कुछ भी माइनिंग नहीं थी, मैंने ये पूरा माइन करा, ये करा, ये करा, ये करा और ये सब जो है, और यहाँ से जितना भी यहाँ सारा माइनिंग करने के बाद मेरे को इतना जो है रेडस्टोन मिला है। तो यहाँ पे देख लो यार मेरे को सही बता रहा हूँ, ग्लोस्टोन में इतना टाइम ही लगा, क्वार्ट्स में इतना टाइम ही लगा जितना मेरे को रेडस्टोन में लग गया टाइम इकट्ठा करने में। और साथ ही साथ हमारे पास 37 डायमंड भी हो गया यार माइनिंग करते करते। तो एक तरह से यार सही भी अपने पास डायमंड आ गए और एक तरह से ये भी यहाँ पे मेरा बहुत टाइम लग गया इसको, क्या नाम है इसको भी यार कुछ कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, एम स्टेट कुछ कैसे कहते हैं। और ये भी हमारे यहीं पर ये माइनिंग के नीचे, यहाँ पे जो हमने माइन बना रखी है ना उसी के नीचे है यहाँ पे। तो ठीक है यहाँ पे मेरे ख्याल से जो हमारा सारा सामान है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया है और इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो एक बार ऊपर चलते और देखते क्या क्या और हमें चाहिए। तो अपने जो डायमंड है वो मैं यहीं पे रखता हूँ जो कि हमें मिल रहे हैं, और ये एमिथिस्ट शार्ट आते एमिथिस्ट नाम है उसका ना, ठीक है। उसके जो भी अपना फालतू फंड का सामान है वो यहीं पे रखते हैं, और ग्रेवल हमारी काम आएगी। और गोल्ड को एक काम करते हैं यहाँ पे फर्नेस में डाल देते हैं, गोल्ड जो अपना यहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। और ऊपर चलते हैं अपना, और देखो यहाँ पे जो शायद पता नहीं मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया नहीं दिखाया, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 मेरे को जो है स्केलेटन हॉर्स मिले। वैसे तो ये एक ही स्केलेटन हॉर्स था, जैसे ही मैं इसके पास गया ना कुछ भी यहाँ पे बारिश वारिश कुछ भी नहीं हो रही थी, एकदम से बिजली गिरी और एक से पूरे मतलब 3 हो गए। तो यहाँ पे देखो ये भी से लग रहा है, डिस्पॉन नहीं हो रहे, यहाँ पे मैंने इनको नेम टैग नहीं दिया तभी डिस्पॉन नहीं हो रहे, ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर नेम टैग ही नहीं है यार। और यहाँ पे भी आपको कुछ अलग अलग लग रहा होगा, यहाँ पे मैंने माइनिंग करी है, मतलब यहाँ से थोड़ी जगह क्लियर करी है ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। और सही बता रहे रेड स्टोन इकट्ठा करने में हालत ख़राब हो गई है। तो ठीक है देखते हैं अपना क्या क्या सामान मिल चुका है। तो रेड स्टोन भी यहाँ पे अपना सारा रख देते हैं, और यहाँ पे कबल स्टोन मुझे लगता है कि और कबल स्टोन की यहाँ पे मेरे को ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 7 स्टैक जो अपने कॉन्क्रीट पाउडर के चाहिए होंगे, जो कि वाइट कॉन्क्रीट पाउडर है। तो यहाँ से जो है सैंड और ग्रेवल ले लेते हैं दोनों, और जो कि 1-2-3-4 यहाँ पे 4 चाहिए होंगे और यहाँ पे हमारे पास 8 बन जाएंगे। और साथ ही साथ जो है अपना बोन मील भी ले लेते हैं क्योंकि इससे हम बनाने वाले हैं वाइट डाई, ठीक है। तो यहाँ पे इससे इतनी बन रही है, ठीक है ये ले लेते हैं, और इससे अपनी बन जाएगी डाई, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ग्रेवल रखते हैं और यहाँ पे अपने रखते हैं सैंड और उसके बाद यहाँ पे रखते हैं डाई, तो 1-8 बन जाएगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी रख देते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना हमको सबका ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 स्टैक आ गई है और उसके बाद यहाँ पे 3 स्टैक आ गई है। यहाँ पे मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है यहाँ पे मेरे सैंड कम पड़ जाएगी। यहाँ पे अपनी ओ डाई बना लेते हैं यार, यहाँ पे जो हमने 7 से ज़्यादा स्टैक जो अपने वाइट कॉन्क्रीट पाउडर के बना लिए, और यहाँ पे मेरे को ना थोड़े से और चाहिए होंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे को रेड वाले भी बनाने हैं। तो रेड वाले के लिए यहाँ पे मेरे पास पॉपी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक ही है, मेरे को और रेड स्टोन चाहिए होंगे, मतलब रेड डाई चाहिए। तो यहाँ पे रात हो रही है, एक बार सो भी जाते हैं। यहाँ पे मेरे को रेड जो डाई है ना उसके लिए रेड फ्लावर चाहिए, ये रेड पॉपी मतलब नाम होता है फ्लावर का, वो चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आस पास तो हमें मिल ही आया, क्योंकि जो हमारी ये वाली बायोम है ना वो मतलब फ्लावर बायोम है, मतलब यहाँ पे फ्लावर व्लावर उगते हैं, तो यहाँ पे भी हमें रेड जो है फ्लावर मिल जाना चाहिए कोई ना कोई सा। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सारे पिंक वाले हैं, यहाँ पे ये एकदम से वाइट है ये वाला, और उसके बाद ये भी पिंक है, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है रेड वाला, ठीक है। इससे जो है अपनी रेड वाली डाई बन जाएगी, तो मेरे ख्याल से इतना बहुत रहेगा यार, है ना। हमारे जो एक डाई है उससे हम जो 8 अपने जो कॉन्क्रीट पाउडर है उसको कलर कर सकते हैं, तो इतना तो यार बहुत रहेगा। और यहाँ पे ठीक है, तो बाकी का जितना भी यहाँ पे ही कर लेते अपना जो है, तो इसको मैं ऐसे रखता हूँ, और उसके बाद सैंड को ऐसे रखता हूँ, और उसके बाद जो अपने रेड वाले है उनको रखता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्टैक हो गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से इसमें काम हो जाना चाहिए अपना, और बाकी जो है और कम पड़ेगा तो यार और बना लें, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमारे ये वाले कॉन्क्रीट पाउडर तो हो गए, जो कि मैं यहीं पे रख देता हूँ,
ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए ग्लोस्टोन और साथ में नेदर क्वार्ट्स, ताकि हम अपने जो है ऑब्जर्वर और जो अपना रेडस्टोन लैंप है ना वो बना सके। तो यार यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया था, यहाँ पे जो हमें रेडस्टोन लैंप बनाने के लिए भी रेडस्टोन की जरूरत पड़ेगी और जो अपने ऑब्जर्वर है उसको बनाने के लिए भी रेडस्टोन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि अपनी जो रेडस्टोन है यहाँ पे कम पड़ जाएगी। तो एक बार देखते हैं यार अपना जो रेडस्टोन लैंप तो बना के देखते हैं। यहाँ पे मेरे को कम से कम दो स्टैक चाहिए, तो देखते हैं दो स्टैक बन रहा था यहाँ पे। एक स्टैक तो यहाँ पे बन गया पूरा, और उसके बाद यहाँ पे दो स्टैक से भी यहाँ पे कम पड़ रहा है यार। यहाँ पे मेरे को और रेड स्टोन चाहिए, भगवान भाई सब कितना रेड स्टोन चाहिए होगा। यहाँ पे लैम्प के लिए तो मेरे को और रेड स्टोन चाहिए होगा, और उसी के साथ साथ मेरे को ऑब्जर्वर के लिए भी यहाँ पे रेड स्टोन चाहिए होगा। तो यार यहाँ पे मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं रेड स्टोन ढूंढ के अपने जो रेड स्टोन लैम्प बना के, और जो कि रेड स्टोन लैम्प ही होते हैं ना, हाँ रेड स्टोन लैम्प बना के और जो ऑब्जर्वर बना के ना, उसके बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। 2000 years later. So guys, finally हमारे जितना भी सामान था वो सब हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, और जितना मैं सोचा था कि नेदर में जाना है वहाँ पे क्या नाम है रेड ग्लोस्टोन लाना है और क्वार्ट्स लाना है, उसमें इतनी मेहनत मतलब इतना टाइम लगेगा और डेंजर भी है, वहाँ पे मरने के चांस भी रहते हैं। लेकिन गाइस सच बता रहा हूँ, जितना टाइम मेरे को रेडस्टोन माइन करने में टाइम लगा है ना, उससे ज़्यादा किसी में नहीं लगा। यहाँ पे मेरे को लिटरली 3 stacks जो है डायमंड के मिल चुके हैं, मतलब समझ रहे हो 3 stacks डायमंड के मिले। उसके बाद जाके मेरे को जो है यहाँ पे जो है रेडस्टोन इतना मिला है जिससे अपना जो काम हो सके। तो अभी दिखाया तो यार मैंने क्या क्या करा है। तो यहाँ पे मैंने 4 stacks जो ऑब्जर्वर बनाए, जो अपने काम के ना उससे ज़्यादा ही बना लिया, थोड़े से मतलब थोड़े से ज़्यादा ही होने चाहिए यार, कम नहीं पड़ने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 2 stacks मैंने रेडस्टोन लैम्प बनाई है, और जो अपने कॉन्क्रीट पाउडर है वो ये है, और बाकी जो है इसको पानी डाल के हम इसको सॉलिड कॉन्क्रीट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेडस्टोन कॉन्क्रीट भी है, मतलब रेड कॉन्क्रीट पाउडर भी है, और इसको भी हम पानी डाल के वाटर डाल के सॉलिड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो अपना जो बैनर पे बनाने वाला हूँ, जो अपना 1K का बैनर है वो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे इस साइड में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और या फिर मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर बनाऊँ पानी के ऊपर, है ना। तो एक बार यहाँ पे स्कैफोल्डिंग ला के ना अपनी जगह देखते हैं कि कहाँ पे सही रहेगा। तो बस पहले मैं सोचता था कि मैं ना वहाँ पे बनाऊँगा उस माउंटेन पे, लेकिन वो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। तो अभी पता है मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं बनाने वाला हूँ इस पानी के ऊपर, मतलब यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये अपना ही सेंटर रहेगा, यहाँ पे सेंटर देख लें अपना, यहाँ से 21 ब्लॉक जाएंगे, नहीं यहाँ से 20 ब्लॉक जाएंगे, यहाँ से 20 ब्लॉक, और फिर उसके ऊपर 11 जो ब्लॉक है उसका लेवल है, और वहाँ से अपना जो है वाइट पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसको जो मैं रेड से लिख दूंगा उसके ऊपर, और साइड से जो अपने ऑब्जर्वर है और रेस्टोन लैंप है ना वो लगा के मैं उसको वहाँ पे चालू कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक अपना जो है एक कैनवस की तरह बना लेते हैं यहाँ पे पूरा वाइट, और यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे कोई मैं कुछ मशीन तो बनाने जो उसको ट्यूटोरियल बताऊँ। तो यहाँ पे मैं जो है रिप्ले मोड में उसको पूरा रिकॉर्ड करने वाला हूँ, और एक बार मैं इसको पूरा जब बना लूँ ना उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। Taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place.
गाइस फाइनली हमारा जो 1K वाला बैनर है वो बन चुका है। और जो अभी रात का सीन आप देख रहे हो, क्योंकि यार रात में ही वो एकदम देखने में बढ़िया लगेगा। और यार सही में इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, और जो इसकी सामान है ना उसको इकट्ठा करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। और ये परेशान कर जा रहे एक एक करके। तो यार ये मॉब यार इतने हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा बनाएंगे, ठीक है? 3, 2, 1 गो। तो देखो यार इनकी ये सही से यार 1K वाले दिखाने ही देते। तो अभी इसमें यार थोड़ी बहुत चेंज और करनी बाकी है। मैं इसमें सोच रहा हूँ थोड़ा कुछ और भी करूँगा, लेकिन अभी यार काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे को रिकॉर्डिंग करते करते, क्योंकि यहाँ पे रेडस्टोन ढूंढने में जितना टाइम लगा है ना यार, उतना टाइम आज तक मेरे पूरी वीडियो बनाने में कभी इतना टाइम लगा जितना रेडस्टोन ढूंढने में टाइम लगा। कि समझ रहे होगे यार 3 स्टैक यहाँ पे मेरे को डायमंड के मिल गए, तो मैंने कितना माइन करा होगा रेडस्टोन के लिए, ठीक है? तो अभी देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर। तो हमारे जो है 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं, और धीरे धीरे करके जो हमारे सब्सक्राइबर वो बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्राइबर थे यार, बहुत बहुत थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर यार 1K सब्सक्राइबर, ठीक है? तो आज की वीडियो में यार इतने रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ भी आप मेरे को बोलना चाहते हो कमेंट भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में यार इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Bye.